सावन का महीना आया है, शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। वैसे भी इस साल का सावन तो सभी शिव भक्तों के लिए ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि 19 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सावन का महीना 2 महीनों के लिए आया है, जो आत्मा को शांति, शक्ति और आनंद से परिपूर्ण करेगा। इस सावन के महीने के अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण वीडियो, जो हमें इस अद्भुत और आध्यात्मिक कथा की गहराई में ले जाता है। इसके माध्यम से हम चर्चा करेंगे शिव पुराण के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, अत्यंत रोचक कथाओं को समझेंगे और महादेव के अद्भुत स्वरूप के बारे में भी जानेंगे। आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलिए और शिव पुराण के माध्यम से शिव की महिमा और आध्यात्मिकता को अनुभव कीजिए। बिना किसी देरी के चलिए आरंभ करते हैं हमारे इस अद्भुत सफर को। तो हमारे साथ शुरू कीजिए इस सफर को हर हर महादेव बोलकर। ओम नमः शिवाय। शुरू करते हैं भाग एक, शिव पुराण की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी की समझ से समझने की कोशिश करते हैं कि शिव क्या है, उनका निर्गुण रूप कैसा है, उनका सगुण रूप कैसा है। होता ये है कि एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि हे पिताजी, मैं भी शिव जी की भक्ति को जानना चाहता हूँ, वो सगुण हैं, साथ ही रहते हैं, या फिर वो निर्गुण रूप में हैं, तो हमारे साथ किस प्रकार रहते हैं, वे आरंभ, मध्य और अंत में भी किस प्रकार रहते हैं। आप उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं कृपया मुझे बता दीजिए, जिससे मुझे और आपको प्रसन्नता मिले और मैं उनके बारे में सब कुछ जान पाऊँ। ये सुनकर ब्रह्मा जी प्रेम में मग्न हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो तन, मन, स्त्री आदि किसी का भी ध्यान नहीं रखते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो पुनः सचेत होते हैं, तब वो शिव शिव कहते हुए शिव जी का ध्यान करने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, हे नारद, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे संपूर्ण कुल को मुक्त कर दिया, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई है। हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी के निर्गुण चरित्र का वर्णन करूँगा और उसके बाद सगुण महिमा को कहूँगा। ऐसा कहते हुए वो शिव जी के बारे में बताने लगते हैं। तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कहीं भी चिन्ह नहीं था, उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप में सर्वव्याप्त थे और एकमात्र परम ब्रह्मा थे। वे भगवान शिव ही सत्य और परमानंद रूप है। वे मन तथा वचन के स्वामी हैं और नाम रूप से हीन हैं। वे ना तो किसी वशीभूत देखने से आते हैं, ना ही उनका कोई अंत है, ना ही इसे कोई जानता है। वे किसी के भी वशीभूत ना होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्य के कर्मों के साक्षी है और सर्वव्याप्त होते हुए भी सबसे भिन्न हैं और अलग रहते हैं। ये सब सुनने के बाद आगे बोलते हैं, हे नारद, योगी लोग उनका भजन करते हैं, परंतु आदि और अंत को नहीं जान पाते। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु बिना कान के ही सब कुछ सुन लेते हैं और बिना आँख के ही सब कुछ देख लेते हैं। बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन कर लेते हैं, बिना जीभ के ही सारी विद्या को पढ़ लेते हैं। जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार की जा सकती है। इस निर्गुण स्वरूप भगवान सदा शिव ने अपने मन में जब ये इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाए, उसी समय वो सगुण रूप में आ गए। वो कानों में कुंडल पहनते हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हुए हैं। उनका प्रभातकालीन सूर्य के समान मुख पूर्व दिशा में है और दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर रहता है। उनके नीले कंठ में 3 लकीरें हैं और उस कंठ में विराजित हलाहल की श्यामता भक्तों को यूं ही हर लेती है। वो अपने गले में मुंडों की माला धारण किए हुए हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। ओम नमः शिवाय। अब हम कथा 2 की ओर बढ़ते हैं कि आखिर आगे क्या हुआ। दुनिया का आरंभ और अंत दोनों ही शिव जी के द्वारा हुआ है। शिव पुराण के अनुसार जब शिव जी को एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तभी इस सृष्टि की रचना हुई। शिव जी ने सबसे पहले उनकी अर्धांगिनी जगत जननी माँ जगदम्बा यानी कि शक्ति को प्रकट किया। उसके बाद उन्हीं भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति की। संपूर्ण शिव पुराण को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज रोज शिव पुराण सुनने को मिले और आपके सभी पाप नष्ट हो। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। महाशक्ति उमा को प्रकट करने के बाद उनके मन में आया कि कोई रचनात्मक कार्य किया जाए। तब उन्होंने भगवती उमा से कहा, हे प्रिय, जब तक ऐसा मनुष्य उत्पन्न करना चाहिए
जो सब विद्याओं में पारंगत हो और जिसके ऊपर हम संपूर्ण संसार का भार छोड़ सकें। शिव जी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती जगदम्बा ने अपने बाई ओर देखा और उनकी इच्छा से तुरंत ही एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वह मनुष्य अत्यंत रूपवान, बलवान, बुद्धिमान और शिलवान था। उसका संपूर्ण शरीर श्याम वर्ण चंद्रमा जैसा था। उसका प्रत्येक अंग सुडौल एवं परम सुंदर था। वह संपूर्ण विद्याओं का निधान, महाप्रतापी, सिद्ध रूप तथा पवित्र था। वह उत्पन्न होते ही भगवान सदाशिव और भगवती उमा के सम्मुख आ गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस सुंदर मनुष्य को देखकर उमा सहित शिव जी भी बहुत प्रसन्न हुए। वह भी इन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हुआ। फिर उसने हाथ जोड़कर दोनों की स्तुति की और प्रसन्न करते हुए प्रार्थना की, हे पिताजी, हे मातेश्वरी, आप मेरा नाम रख दीजिए। मेरे योग्य जो भी कार्य है उसे बता दीजिए। यह सुनकर शिव जी बोले, तुम्हारा नाम विष्णु होगा। संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारे समान तेजस्वी और प्रतापी अन्य कोई भी प्राणी नहीं होगा। तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में निरंतर फैलता रहेगा। संसारी मनुष्य तुम्हें हरि, चतुर्भुज, भगवान, अच्युत आदि नामों से पुकारेंगे। तुम भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किए गए हो। अब तुम्हें ये उचित कार्य दिया जाता है कि तुम तपस्या करो, जिससे तुम्हें और अधिक तेज प्राप्त हो और सामर्थ्य प्राप्त हो। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने विष्णु जी को योग विद्या का उपदेश दिया। तब विष्णु एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने में संलग्न हो गए। वे दिव्य सहस्त्र वर्ष तक एक ही आसन पर बैठकर योग साधना द्वारा भगवान शिव का ध्यान करते रहे। परंतु जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके हृदय में अत्यंत शोक हुआ। उसी समय जिस प्रकार वर्षा में बादल गरजते हैं, उसी प्रकार आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम मन लगाकर फिर से तप करो, क्योंकि हम सुगमता से किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं। उस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने पुनः अत्यंत कठिन तप करना शुरू कर दिया, जिससे उनके पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि एक नदी बह निकली। इस अवस्था में बैठे हुए विष्णु मूर्छित हो गए और उनका नाम तीनों लोकों में बहकर नारायण प्रसिद्ध हुआ। वे इसी प्रकार मूर्छित हुए जैसे कोई निद्रा में शयन कर रहा हो। उसी दशा में भगवान सदाशिव की उच्ची इच्छा से उन विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल में बहुत से पंखुड़ियाँ थी और देखने में बहुत ऊंचा, मनोहर और लंबा था। उसके बाद शिव जी ब्रह्मा जी को अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन्न करते हैं और उन्हें उस कमल पर बिठा देते हैं। उसका लाल रंग था और उसके चार मस्तक थे, चारों दिशाओं में खुले हुए थे। उनके सभी अंग विष्णु जी के समान ही थे और वो मनुष्य भी अत्यंत तेजस्वी और यथार्थवान थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, तुम्हें आज ब्रह्मा, धता, विधाता, भूगर्भ आदि अनेक नामों से जाना जाएगा। आज हमने देखा कि कैसे शिव जी ने ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की उत्पत्ति की और कैसे उनका नाम रखकर उनका नामकरण किया और उन्हें इस पृथ्वी पर उनका जो भी कार्य था वो दिया। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि उसके बाद क्या हुआ और उसके आगे भगवान शिव ने क्या किया। तो ये सब जानने के लिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सावन के इस पावन महीने में संपूर्ण शिव पुराण सुनने का मौका मिले। हम आपके लिए रोज़ इसी तरह से 3-3 भागों में शिव पुराण को दिखाएंगे, जिससे आपको भी कम समय में पूरी शिव पुराण को अच्छे से सुनने का मौका मिले। और हमने इस वॉइस को, इस शिव पुराण को बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड किया है, जिसे आप अपने काम पर जाते हुए, चलते हुए, ड्राइविंग करते हुए या फिर कुछ भी दूसरा कार्य करते हुए आराम से सुन सकते हैं, जिससे आपको कुछ भी परेशानी भी नहीं होगी और जिसके साथ आपको शिव जी की शिव पुराण सुनने का भी मौका मिलेगा। ये तो आपको पता ही होगा कि शिव पुराण कहने से, सुनने से हमारे ही नहीं बल्कि हमारे पूरे कुल के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शिव पुराण को सुनते रहिए और शिव पुराण को कभी भी बीच में से नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए कृपया करके आप भी इसे बीच में से ना छोड़े। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। तो हम आपको कल सुनाएंगे इसकी आगे की 3 कथाएं कि आगे क्या होता है।
सप्ताह के लिए हर हर महादेव।